आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो टेंथ क्लास के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के जो दो प्रैक्टिस पेपर जारी किए हैं कोड ए और कोड बी कोड ए का कंप्लीट सॉल्यूशन कल मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं आज मैं आपको कोड बी का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आज अब मैं आपको कोड बी का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ पहले जैसा कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर 2022-23 क्लास टेंथ और कोड जो है बी है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है और जो टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए ढाई घंटे और आपका क्वेश्चन पेपर आएगा चालीस नंबर का और ये जो इंस्ट्रक्शन है इन इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा यानी कि बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट के साथ तो वहाँ पर आपको यानी कि बोर्ड एग्जाम के टाइम पर आपको इन इंस्ट्रक्शन को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन है और इस ये जो है चार चार नंबर वाले क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो चॉइस में है क्वेश्चन इसका भी सोलूशन मैंने किया है यानी कि नोटबुक के अंदर इन दोनों क्वेश्चनों का सोलूसन तैयार कर रखा है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन में भी चॉइस है इन दोनों क्वेश्चनों का भी सोलूशन मैंने नोटबुक में तैयार कर रखा है मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ पहले फिर आपको इसका कम्प्लीट सोलूशन दिखाऊँगा और जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो मैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर ही करवा दूंगा तो यहां से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट टू थाउजेंड सेवन प्रेजेंटेशन फाइल तो इसका आंसर है डोट पी पी टी एक्स डोट लगाना है उसके बाद फिर पी फिर पी और उसके बाद टी और फिर एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू एस आर एस सर्व एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर तो इसका आंसर जो है फॉल्स है ट्रू फॉल्स वाला ये क्वेश्चन है तो फॉल्स जो है इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री फोन ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश ग्रुप अंडर होम टैब तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फ़ॉन्ट यानी कि यहाँ पर ही आएगा जो फ़ॉन्ट ग्रुप होता है उसके अंडर आता है जो कि होम टैब में होता है उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सेल एड्रेस बी फाइव इज एन एग्जांपल ऑफ तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है रिलेटिव सेल तो ऑप्शन बी जो है रिलेटिव ये आपका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ विंडोज विंडो एक्सेसरीज तो आंसर देखें तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बिन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स एवरी फॉर्मूला और फंक्शन इन एम एस एक्सएल स्टार्ट विद डैश साइन तो आंसर आएगा ऑप्शन डी जो है यानी कि हर एक जो फॉर्मूला है स्टार्ट करने से पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन शॉर्टकट की ऑफ सेंटर अलाइनमेंट तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस ई ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट डैश इज शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एम तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर अब मैं आपको लॉन्ग आंसर के जो सॉल्यूशन है वो दिखाता हूँ क्लास टेंथ 2022 हजार यानी कि ये जो है प्रैक्टिस पेपर है 2022 और 23 20 का जो हरियाणा बोर्ड ने जारी किया है उसका सॉल्यूशन है पेपर है कंप्यूटर साइंस का कोड बी है और इसके अलावा मैंने कोड ए का कंप्लीट सॉल्यूशन भी अपने चैनल पर के ऊपर अपलोड किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन कम्पोनेट्स ऑफ एम एस पावर पॉइंट विंडो आंसर देखें क्विक एक्सेस टूल बार कॉम्पोनेंट्स के बारे में बताना है पावर पॉइंट के तो उसमें सबसे पहले है क्विक एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन्स बटन फोर कॉमनली यूज कमांड कहते हैं कि जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसके अंदर जो है बटन्स हैं और वो बटन्स जो है कॉमन कॉमनली यूज कमांड्स हैं क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर बटन होते हैं और वो बटन जो हैं कॉमनली यूज कमांड्स हैं उसके बाद है सेकेंड टाइटल बार टाइटल बार जैसे कि आपके नाम से ही पता लग गया टाइटल बार इंडिकेट द सॉफ्टवेयर यानी कि टाइटल बार से ये पता लग जाएगा कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो क्योंकि वहाँ पर उसका नाम लिखा होता है द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन का नाम भी वहाँ पर लिखा होगा जो आपने उसको दिया होगा दैट इज़ ओपन जो कि ओपन है मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन और जो राइट साइड में जो बॉक्स होता है जिसमें बटन होते हैं मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमाइज करने के लिए और क्लोज करने के लिए जो क्रॉस का साइन होता है उसके बाद है टैब्स टैब्स कंटेन्स कमांड्स और टैब के अंदर होती हैं कमांड्स उसके बाद रिबन होते हैं रिबन इज़ द एरिया कंटेनिंग द टैब्स रिबन जो ऊपर की तरफ एक लाइन होती है जिसमें टैब्स होते हैं उसके बाद है आउटलाइन स्लाइड टैब इट डिस्प्लेस द प्रेजेंटेशन टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटलाइन यानी कि प्रेजेंटेशन के टेक्स्ट को आउटलाइन की फॉर्म में प्रेजेंट करता है आउटलाइन टैब इज यूज टू ऑर्गेनाइज एंड डेवलप द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन दिस टैब इनेबल्स यू टू मूव स्लाइड्स एंड टेक्स्ट बाय ड्रैगिंग सेलेक्टेड मटेरियल slide tab displays the slide of your presentation as small image this video allows this view allows easy navigation through slides slide pen, slide pen contains the current slide in your presentation you can use the vertical scroll bar to view other slides in the presentation उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन डिफरेंट व्यूज इन एम एस पावर पॉइंट आंसर देखें देर आर थ्री मेन व्यू व्यूज अवेलेबल इन पावर पॉइंट नंबर वन नॉर्मल व्यू नॉर्मल व्यू इज द एडिटिंग मोड वेयर यू विल वर्क मोस्ट फ्रीकवेंटली टू क्रिएट यूअर स्लाइड्स नॉर्मल व्यू जो है एडिटिंग मोड है यहाँ पर आप जो भी हैं आप, जो आपकी प्रेजेंटेशन उसमें एडिटिंग वगैरह करते हो वो सारा काम नॉर्मे नॉर्मल व्यू में होता है उसके बाद है स्लाइड सोटर व्यू स्लाइड शोटर व्यू गिव्स यू ए व्यू ऑफ यूर स्लाइड्स इन थमनेल फॉम स्लाइड सोटर व्यू जो है आपकी स्लाइड्स को थमनेल फॉर्म में व्यू करवाता है दिस व्यू मेक्स इट ईजी फॉर यू टू शोट एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ यूअर स्लाइड्स ये जो व्यू हैं इसकी मदद से आप आसानी से अपनी फाइलों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं यानी कि नंबर वन को नंबर फोर पर शिफ्ट कर सकते हैं नंबर थ्री को नंबर वन पर शिफ्ट कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू डिस्प्लेज एंड आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन कंटेंट्स एट द लेफ्ट यानि कि जो लेफ़्ट साइड में जो छोटी छोटी आउटलाइन आ जाती हैं यानी कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो छोटे फॉर्म में यहाँ आप पर आपको दिखाई देंगी एक से ज़्यादा दिखाई देंगी तो वहाँ से आप अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड को सिलेक्ट भी कर सकते हैं इट मेक्स इट ईजी टू फोकस ऑन योर टेक्सट विदाउट ग्राफिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस वेज ऑफ फॉर्मेटिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट आंसर देखें देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग आर कैरेक्टर और फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट और पेज फॉर्मेटिंग और सेक्शन फॉर्मेटिंग सबसे पहले है नंबर वन कैरेक्टर और फॉन्ट फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स कैरेक्टर और फॉन्ट फॉर्मेटिंग इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट में डॉक्यूमेंट कैरेक्टर और फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग में शामिल है फ़ॉन्ट टाइप फेस यानी कि फ़ॉन्ट कौन सा यूज करते हैं आप सच एज कैलिबरी एरियल टाइम्स न्यू रोमन उसके बाद साइज आ जाता है उसके बाद स्टाइल आ जाता है और कलर सेकंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंक्लूड यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर शामिल है टेक्स्ट अलाइनमेंट लाइन स्पेसिंग टैब्स इंडेंट्स बुलेट्स एंड नंबरिंग बॉर्डर एंड शेडिंग उसके बाद तीसरा है डॉक्यूमेंट और पेज फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स और पेज फॉर्मेटिंग यूजुअली डिटरमाइंस द अपीयरस ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इंक्लूड्स मार्जन मार्जन जो स्पेस होता है पेज के ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट साइड में जो ब्लैंक एरिया होता है उसको मार्जन कहते हैं पेज साइज एंड ओरियंटेशन हेडर एंड फोटर्स पेज नंबरिंग और कॉलम्स ये सभी शामिल है उसके बाद नेक्स्ट है नंबर फोर सेक्शन फॉर्मेटिंग सेक्शन फॉर्मेटिंग अलाउज यू टू अप्लाई डिफरेंट पेज लेआउट सेक्शन फॉर्मेटिंग जो है अलाउ करता है आपको कि आप डिफरेंट फॉन्ट पेज लेआउट जो है अप्लाई कर सकते हैं सेटिंग्स विद इन द सेम डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन है नेम द वेरियस ग्रुप्स ऑन द होम टैब एंड देयर फंक्शन यानी कि होम टैब के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स आते हैं जैसे कि फोन्ट और क्लिपबोर्ड है उसके सब के बारे में बताना है आंसर देखें द होम टैब इज़ द डिफॉल्ट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिफॉल्ट टैब है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इट हैज़ फाइव ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स इसमें पांच ग्रुप्स हैं क्लिप आर्ट है क्लिप बोर्ड है पैराग्राफ है स्टाइल है एंड एडिटिंग है, and editing है। सबसे पहले क्लिप बोर्ड द ऑफिस क्लिप बोर्ड स्टोर एंड ग्राफिक्स दैट यू कॉपी और कट फ्रॉम एनीवेयर यानी कि कहीं से भी आप जो भी डाटा कॉपी करते हो या फिर कट करते हो तो वो सारा डाटा जो है डायरेक्ट क्लिप बोर्ड में चला जाता है एंड इट लेट्स यू पेस्ट द स्टोर्ड आइटम और यहां से आप जो है जो भी डाटा डट, जो, जो है क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है उसको आप पेस्ट कर सकते हो इन टू एनी अदर ऑफिस फाइल किसी दूसरी ऑफिस फाइल के अंदर उसके बाद फ़ॉन्ट है द फ़ॉन्ट चेंजेस द स्टाइलिंग ऑफ लेटर्स इन योर टेक्स्ट उसके बाद है पैराग्राफ दिस ग्रुप प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स पर आपको पैराग्राफ से रिलेटेड सभी कमांड्स मिलेंगी और जो फोन वाला था वहां पर आपको स्टाइल स्टाइल इन एम एस वर्ड इज द सेट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेटिंग लाइक फोन फेस कलर स्टाइल पैराग्राफ अलाइनमेंट लाइन स्पेसिंग एक्सेट्रा इट हेल्प अस टू क्विकली सेट द िएटिड स्टाइल टू सेलेक्टेड पैराग्राफ इन ईजी इजी वे उसके बाद सबसे लास्ट वाला है एडिटिंग एडिटिंग ग्रुप इज ए सेट ऑफ कमांड्स लाइक फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट यानी कि एडिट के अंदर कोई वैल्यू आपको सर्च करनी है तो उसके लिए फाइंड का यूज करें और ओल्ड वैल्यू को किसी न्यू वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है तो उसके लिए रिप्लेस और वैल्यू को सिलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑप्शन है, तो select option है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज सेल रेफरेंस एक्सप्लेन इट्स टाइप्स आंसर देखें ए सेल रेफरेंस रेफर्स टू ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल्स यानी कि एक सेल के लिए भी है और एक से ज़्यादा सेल्स के लिए भी सेल रेफरेंस दिया जाता है उन्हें वर्क सीट यानी कि एम एस की सीट में एंड कैन बी यूज इन ए फॉर्मूला सो दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कैन फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट दैट फॉर्मूला टू कैलकुलेट यानी कि फॉर्मूला के अंदर जो है वैल्यू जो सेल्स हैं वो सिलेक्ट करनी पड़ती है हमें ताकि फॉर्मूला को रेंज दी जा सके और फिर फॉर्मूला जो है उसके ऊपर अप्लाई हो सके रिलेटिव सेल रिफरेंस रिलेटिव रेफरेंसेज चेंज वन ए फॉर्मूला इज़ कॉपीड टू अनदर सेल कहते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस जो है ना वो चेंज हो जाता है जब फॉर्मूला को कॉपी किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट रिफरेंस इज ऑन द अदर हैंड रिमेन कांस्टेंट यानी कि चेंज नहीं होता कॉन्सटेंट रहता है नो मैटर वेयर दे आर कॉपिड और ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कहाँ आप उसको कॉपी कर रहे हैं उसके बाद है मिक्स्ड सेल रेफरेंस मिक्स्ड रेफरेंस इज ए टाइप ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंस मिक्स सेल रेफरेंस जो होता है वो एक तरह के एक तरह का एब्सोल्यूट रेफरेंस ही है इन विच आइदर द कॉलम इज मेड कॉन्स्टेंट कहता है कि यहाँ तो या तो कॉलम को कॉन्स्टेंट किया जाता है और द रो या फिर रो को इन दोनों में से कोई एक चीज़ कॉन्सटेंट हो जाएगी और द रो इज मेड कांस्टेंट यानी कि या तो कॉलम या फिर रो को कांस्टेंट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है नंबर व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आंसर देखें कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन यानी कि कंप्यूटर मेमोरी ह्यूमन यानी कि इंसान के दिमाग जैसी है इट इज यूज टू स्टोर डाटा स्लैश ये स्लैश हैं इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस इट इज ए डाटा स्टोरेज यूनिट और ए डाटा स्टोरेज डिवाइस वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड इट कैन स्टोर बोथ द इनपुट एंड आउटपुट कैन बी स्टोर्ड हियर यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है यानी कि एक तरह से मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं जो प्रोसेसिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को देखें इट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जान जाना जाता है ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम इसका यूज किया जाता है डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन यानी कि प्रोसेसिंग के दौरान इट यूज सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी और ये सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी को यूज करता है इट यूज सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड हैंज को मल्ली कार्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी और इस ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं इसलिए इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से जाना जाता है प्राइमरी मेमोरी इज़ टू टाइप्स प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वोलाटाइल मेमोरी भी होती है यानी कि जो इसके अंदर जो इसकी कंटेंट है वो लॉस्ट हो जाती है अगर किसी भी रीजन से कंप्यूटर ऑफ हो जाए प्राइमरी मेमोरी दो तरह की आती है रैम और रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी इट इज़ आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी एंड ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी होती है यानी कि इसके अंदर जो डाटा होता है वो परमानेंट होता है जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते हैं एंड बैकअप मेमोरी और बैकअप मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है इट इज़ ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी एंड यूज़ टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कहते हैं कि ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है और इन्फॉर्मेशन द डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी इज़ परमानेंट जो डाटा और इंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं वो परमानेंट हैं एंड इट इज़ स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी और ये प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम से स्लो होती है ये मेमोरी ए सी पी यू कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली यानी कि सी पी यू जो है प्रोसेसर हमारा वो सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता यानी कि जो एच के अंदर यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा है पहले वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगा यानी कि रैम में और फिर उसके बाद सी पी उसको एक्सेस कर सकता है द डाटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑक्सलरी मेमोरी इज़ फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन दीपी CPU कैन एक्सेस इट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क उसके बाद है कैश मेमोरी इट इज ए टाइप ऑफ हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी ये एक तरह की हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है दैट कैन हेल्प द सीपीयू रन फास्टर जो सीपीयू को तेजी से काम करने के लिए हेल्प करता है बिटवीन द सी पी यू एंड द मेन मेमोरी यानी कि सीपी यू और मेन मेमोरी के बीच में इट सर एज ए बफर ये एक बफर की तरह है? सर्व करता है यानी कि सेवा देता है अपनी इट इज़ यूज टू स्टोर द डाटा इसका डाटा इसका यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए एंड प्रोग्राम्स दैट द सी पी यू यूज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यानी कि सी पी यू जिन प्रोग्राम्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा करता है उन प्रोग्राम्स को वो जो है कैश मेमो वो प्रोग्राम जो हैं कैश मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज डिज़ाइन फेज ऑफ एसडीएलसी एसडीएलसी का जो है डिज़ाइन फेज क्या है इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज क्रिएटेड कहता है कि इस फेज़ के अंदर सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन है वो क्रिएट किया जाता है विच इंक्लूड्स द ओवरऑल आर्किटेक्चर जिसके अंदर पूरा आर्किटेक्चर आता है ऑफ द सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का डाटा स्ट्रक्चर एंड इंटरफेस इट हैज टू स्टेप्स number one high level design it gives the architecture of software product or number two low level design it described how each and every feature in the product should work and every component next question question number six describe few function of start menu स्टार्ट मेन्यू के जो फंक्शन है कुछ फंक्शन के बारे में बताना है द स्टार्ट मेन्यू इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो सिंस विंडो 95 यानी कि ये जो फीचर है स्टार्ट मेन्यू ये विंडो 95 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक यूज हो रहा है इट प्रोवाइड्स मैनी फंक्शन लाइक और ये प्रोवाइड करता है बहुत सारे फंक्शन जैसे कि नंबर वन इट प्रोवाइड ए सेंट्रल लॉन्चिंग पॉइंट फॉर कंप्यूटर फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स सेकेंड पॉइंट है एक्सेसिंग रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट जो हाल ही में डॉक्यूमेंट यूज किए गए हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो उसके बाद है एक्सेसिंग कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर सकते हो जहां पर आपके सभी प्रोग्राम्स की सेटिंग्स होती हैं फाइंडिंग फाइल्स फोल्डर्स और कंपोनेंट्स गेटिंग हेल्प सेटिंग डाउन और लॉगिंग आउट ऑफ द कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन एनी थ्री इनपुट डिवाइस किसी भी तीन इनपुट डिवाइस के बारे में बताना है सबसे पहले है कीबोर्ड ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर करेक्टर्स एंड फंक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग बटन और कीज़ कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो डाटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जिसको कि कंप्यूटर अंडरस्टूड कर सके ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज़ टू एंटर करेक्टर इस कंप्यूटर जो है कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है यूज़ किया जाता है करेक्टर को एंटर करने के लिए एंड फंक्शंस को इनटू द कंप्यूटर कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम में बाय प्रेसिंग बटन बटन्स को प्रेस करके और कीज और इसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि कंप्यूटर कीबोर्ड कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू ए फॉर्मेट दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू द कंप्यूटर यानी कि जो डाटा है जो करेक्टर हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर कन्वर्ट कर देता है जिसको कि कंप्यूटर अंडरस्टूड कर सके उसके बाद है माउस उसके बाद माउस ए माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए माउस का यूज किया जाता है उसके बाद है जॉयस्टिक द जॉयस्टिक लुक्स लाइक एन एयरक्राफ्ट कंट्रोल स्टिक जो जॉयस्टिक होती है वो एयरक्राफ्ट कंट्रोल स्टिक की तरह दिखाई देती है इट इनेबल्स द यूजर टू मूव विद इन स्क्रीन इन्वायरमेंट यानी कि जो गेम खेलते हो आप गेम्स खेलने के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है इट इनेबल्स द यूजर ये यूजर को इनेबल करता है टू मूव विद इन स्क्रीन इन्वायरमेंट की जो भी ऑब्जेक्ट है स्क्रीन इन्वायरमेंट में वो उसको आप उसको मूव कर सकते हैं एंड इट इज ऑफन यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट डिफाइन डेटाबेस एंड डी बी एम एस ए डाटा बेस इज ए कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन जो डाटा बेस है वो कलेक्शन है समूह है कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन का अबाउट पीपल लोगों के बारे में है जो लोकेशन के बारे में है या फिर थिंग्स वस्तुओं के बारे में ए डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डी बी एम एस इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट अलाउ यू टू क्रिएट मैनेज एंड ऑपरेट ए डाटा बेस इसकी मदद से आप डाटा बेस को क्रिएट भी कर सकते हो मैनेज भी कर सकते हो और ऑपरेट भी कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन राइट स्टेप्स टू क्रिएट शॉर्टकट आइकन इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो शॉर्टकट क्रिएट किए जाते हैं ना स्क्रीन डेस्कटॉप के ऊपर तो वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू क्रिएट ए शॉर्टकट गो टू द फोल्डर विच कंटेंट्स द फाइल अगर यहाँ पर किसी फाइल का शॉर्टकट क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले उस फोल्डर में जाओ जहाँ पर वो फाइल रखी है राइट क्लिक ऑन द फाइल फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो एंड गो टू सेंट टू और जो सेंट टू ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर दो क्लिक डेस्कटॉप ऑप्शन आएगा आपको पास चुनने के लिए कौन सी लोकेशन पे आप उसको सेंड करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर दें जो आपका शॉर्टकट है वो क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन राइट स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू डाटाबेस इन एमएस एक्सेस एमएस एक्सेस के अंदर डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं फर्स्ट स्टेप है ऑन द फाइल टैब फाइल टैब में क्लिक न्यू क्लिक करें न्यू के ऊपर एंड देन क्लिक ब्लैंक डेटाबेस और फिर ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर क्लिक करें सेकंड स्टेप है टाइप ए फाइल नेम इन फाइल नेम बॉक्स फाइल नेम बॉक्स के अंदर नाम कर, नाम जो है टाइप करना है आपको फाइल का उसके बाद है क्लिक क्रिएट क्लिक करें क्रिएट के ऊपर बिगिन टाइपिंग टू ऐड डाटा और फिर टाइपिंग करें यानी कि टाइप करें डाटा ऐड करने के लिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इलेवन वट आर वेरियस फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स आंसर देखें देर आर फाइव वाइडली यूज फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स नंबर वन इंटरव्यू नंबर टू क्वेश्चन और नंबर थ्री रिकॉर्ड नंबर फोर व्यू और नंबर फाइव है ऑब्जर्वेशंस उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे जिनका आंसर मैं आपको पहले ही क्वेश्चन पेपर के अंदर बता चुका हूँ तो ये था आपका कंप्यूटर साइंस टेंथ क्लास का कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिस पेपर हरियाणा बोर्ड ने जारी किया था कोड ए और कोड बी कोड बी का सोल्यूसन ये है कोड ए का कंप्लीट सोल्यूशन मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए